वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, वर्षों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में कुछ अधूरापन है। अभी तक कुछ वो प्राप्त नहीं हुआ जिसकी तलाश में मैं हूँ। क्या मिलता है ध्यान से? मेडिटेशन साधना टेक्निक में आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे कई साधक हैं, बल्कि इस विश्व में कई साधक हैं जो ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, और उनका बार बार कहना है कि अभी तक ध्यान से उन्हें कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। अब इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको अपने जीवन को टटोलने की आवश्यकता है कि क्या यह शक्ति आपको ध्यान के बाद मिली है। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने कम से कम 2.5 वर्ष तक ठीक से ध्यान किया हो और आपको कुछ प्राप्त ना हुआ हो। ईश्वर बहुत महान है, ब्रह्मांड बहुत महान है, वो अपनी तरफ आने वाली हर प्रत्येक वस्तु को आशीर्वाद प्रदान करता ही करता है। टटोलिए अपने जीवन को, पीछे जाइए अपने जीवन के, एक बार महसूस कीजिए कि क्या प्राप्त हुआ है आपको। शांति मिली है, आनंद मिला है, ये तो मिलता ही मिलता है अगर आप गुरु के सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसे लगभग लगभग सभी ध्यानी साधक प्राप्त करते हैं। आप शक्ति को सूक्ष्मता कह सकते हैं, सहज ज्ञान कह सकते हैं, अगर कहा जाए तो एक तरीके से इंट्यूशंस भी कह सकते हैं। क्या जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, आपके सामने बात करता है, आपके सामने कुछ कहता है, तो उसे देखकर कुछ आभास आपको होता है कि ये कैसा है, इसका जीवन कैसा रहा है या इसका जीवन कैसा होगा? एक उत्तम श्रेणी का ध्यानी व्यक्ति इस सहज ज्ञान को अवश्य प्राप्त करता है। वो जब उसे देखता है, ना सिर्फ उस व्यक्ति को देखता है बल्कि उसकी अगर फोटो को भी देखता है, तो भी वो आभास कर लेता है कि इसका जीवन कैसा है और कैसा होने वाला है। कभी आप आंख बंद करके शांत बैठते हैं तो किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति के बारे में होने वाले परिवर्तनों का अगर आपको आभास होता है तो आप उस सहज ज्ञान के करीब हैं। अचानक से एक व्यक्ति आपसे मिलने आया और वो सिर्फ आपके सामने बैठा हुआ और उसे देखकर आपको आभास होता है कि इसका जीवन कैसा रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके जीवन में किस तरीके की घटनाएं घटी हैं, या ये क्या कहना चाहता है और इसका अगला जीवन, आने वाला समय कैसा होगा, ये आभास अगर आपको होता है तो वो शक्ति आपको मिली है। इस सहज ज्ञान की इस शक्ति को हर ध्यानी अपने अंदर समेट कर रखता है, उसका बखान नहीं करता। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसे कितना संभालते हैं। दोस्तों, जब भी ध्यान में ऐसा कुछ आपको प्राप्त होता है, जब भी ध्यान में आपको ऐसा कुछ मिलता है, तो पहले बहुत छोटे स्तर का मिलता है, पहले सूक्ष्म स्तर का मिलता है, और जब आप उस सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं, उस चीज को, उस शक्ति को, उस संबंधित वस्तु को, उस विचार को, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, उसे धीरे 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 जब बड़ा करते हैं तो आपके सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बहुत ही सहज और अच्छे ध्यानियों में पाए जाने वाली ये सहज ज्ञान की शक्ति मिलती ही मिलती है। तो आंखें बंद करिए और सोचिए, काफी साधकों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको ऐसा कुछ मिला ही है, वो कितने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, वो इस बारे में जानते ही नहीं है। सोचिए, मंथन कीजिए और मुझे कमेंट में नीचे बताइए कि आपको ऐसा कुछ मिला है। आप कुछ वर्ष, कम से कम 2-2.5 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं और आपको ऐसा कुछ मिला है, या
इससे मिलता जुलता कुछ मिला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अपनी पूरे अनुभव को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना अनुभव का बखान करना है, बस यही लिख सकते हैं कि हाँ आप जो कहें वो मैंने प्राप्त किया है या उससे मिलता जुलता प्राप्त किया है। हमारे हृदय को और हमारे सब्सक्राइबर्स को, पाठकों को और संतुष्टि मिलेगी। जो बनाता है वो सत्य के कितने करीब होते हैं। इस वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हर कोने में बैठा हुआ ध्यानी महसूस कर सके कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।